हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 14 और आईफोन 15 के डिस्प्ले और कैमरा क्वालिटी का। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 में आपको मिलती है वही ओल्ड नॉच डिस्प्ले, जबकि 15 में आपको मिलती है डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले, लेकिन दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेटर है। दोस्तों, जिस तरीके से 15 प्रो मैक्स में 14 प्रो मैक्स के कंपेयर में जूमिंग लेंस को अपग्रेड किया गया है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर 15 और 14 में आपको देखने के लिए मिलेगी। 14 में आपको मिलता है 1x ऑप्टिकल और 5x डिजिटल जूम, जबकि 15 में आपको मिलेगा 2x ऑप्टिकल और 10x डिजिटल जूम, और फर्क आप दोनों ही फोन्स में देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आईफोन 15 में 2x ऑप्टिकल की मदद से आप थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ों के भी काफ़ी क्लियर शॉट कैप्चर कर सकते हैं और डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर वीडियो में भी है। 14 में आपको मिलता है 1x ऑप्टिकल, जबकि 15 में आपको मिलेगा 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट। अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ, दोनों ही फोन का कैमरा मुझे काफ़ी शानदार लगा, लेकिन 15 में फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट 14 के कंपेयर में देखने के लिए मिलती है।